चलो सबसे ऊपर वाली पट्टी से क्या बोलते हैं, टाइटल बार, और इसके नीचे इसे मेन्यू बार, और ये वाला जो एरिया है इसे क्या बोलते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, फिर ये क्या है, टैब या फिर मेन्यू, और इसके नीचे की है रिबन बार, और ये डॉक्यूमेंट एरिया, और ये नहीं, ये स्टेटस बार है, और स्क्रॉल बार ये होती है जिससे अपन खिसकाते हैं उसे स्क्रॉल बार कहते हैं, और ये कंट्रोल एरिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, पुराना नहीं पूछना किसी को। हमारा फॉन्ट ब्लॉक कंप्लीट हो चुका है, इसमें कुछ भी डाउट नहीं रहना चाहिए। यदि आपको लग रहा है यहाँ पर कि हमें आ गया, फिर भी आप एक बार रिवीजन करके देखना, आपका छूट गया, आप ये जो छूट गया है वो आप नीचे मैडम से पूछ लेना। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अगला है पैराग्राफ ब्लॉक। ठीक है, ये इतना हमारा पैराग्राफ ब्लॉक है, इसके अंदर पहला ऑप्शन है बुलेट्स। ठीक है, तो बुलेट्स क्या होते हैं सबसे पहले तो अपन को ये पता होना चाहिए। तो हम देखिए यहाँ पर बुलेट्स पर क्लिक कर रहे हैं, आपके सामने ये इस तरह से आ गया है। अब हम यहाँ पर कुछ लिख रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, लिख रहे हैं, फिर एंटर कर रहे हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा बुलेट्स क्या होते हैं, आपने बुक्स वगैरह में देखे होंगे। अपन को मतलब लाइन बताने के लिए कि हमारा ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है, ये चौथा पॉइंट है, बताने के लिए हम बुलेट्स का यूज करते हैं। ठीक है, आ गया समझ में इतना। अब इसके बाद जैसे कि मान लीजिए हम कोई पेपर टाइप करना है, ठीक है, तो पेपर टाइप करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से इसका साइज बड़ा कर लेते हैं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अपनी संस्था का नाम लिखते हैं ऊपर, तो नाम लिखने के लिए हम यहाँ से इसका साइज बड़ा कर दिया 26। ठीक है, अब हम यहाँ पर नाम लिख रहे हैं, लेकिन नाम कहाँ से आ रहा है, यहाँ से, हमें कहाँ पर चाहिए बीच में, बाद में कर लेंगे हम, यहाँ पर हम लिखेंगे। ठीक है, अब हमें इसको बीच में लेकर जाना है, तो क्या करेंगे, स्टार्टिंग में यहाँ पर क्लिक करेंगे, स्पेस दबाएंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे जाएगा, हम क्या दबाएंगे कि वो एकदम से बीच में चला जाए, टैब। ठीक है, टैब की को प्रेस करेंगे, ज्यादा चला गया तो आप बैक स्पेस से वापस आ सकते हैं। सिलेक्ट करेंगे यहाँ से हम ये वाला ऑप्शन, इससे क्या कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट को अलग डिजाइन में दिखा सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, और अगर आप चाहें तो खुद भी कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, जैसा भी आपको कलर चेंज करना है। ठीक है, ये हमने कर लिया, अब इसके बाद हम एंटर करेंगे, हमारा कर्सर नीचे आ गया, लेकिन अब अगर हम यहाँ पर कुछ लिख रहे हैं तो वैसा का वैसा ही आ रहा है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाकर हमने एंटर कर दिया, अब हम इसका साइज बड़ा, सॉरी छोटा कर लेंगे, 11 कर लेते हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे नॉर्मल जो साइज होता है 11 होता है, हम इसको 11 ही कर लेते हैं, और हम यहाँ पर एंटर करते हैं, कम हो गया, लेकिन फॉर्मेटिंग ऊपर वाली आ रही है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर जाकर इसको ब्लैक कर देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर कुछ भी लिखेंगे, ब्लैक तो हो गया है, लेकिन यहाँ से हमने जो फॉर्मेटिंग ली थी वो भी आ रही है, तो हम इसको नॉर्मल कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से अब इसके बाद कैसे लिखते हैं, हम कोई भी पेपर बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर पहले बुलेट्स पढ़ रहे हैं, फिर इसके बाद वाला जो ऑप्शन है वो है नंबरिंग का, दोनों सेम ही है, यहाँ पर साइड में ड्रॉप डाउन एरो बना हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे, आपके सामने अलग अलग टाइप के बुलेट आ रहे हैं। अब आपको यहाँ पर ये कौन से बुलेट्स हैं, ये पिक्चर क्यों आ रही है, क्योंकि कभी ना कभी किसी ना किसी ने यहाँ पर पिक्चर ली होगी, इसलिए यहाँ पर पिक्चर आ रही है। अब आपको किस टाइप का बुलेट्स चाहिए, नॉर्मली आपने इस टाइप के बुलेट्स देखे होंगे आपके बुक में, या फिर इस टाइप के। ठीक है, अब जो भी आपको चाहिए आप उसके ऊपर जाकर क्लिक कर देंगे, मान लीजिए हमें ये वाला बुलेट चाहिए, आ गया। अब हम क्या, आप क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे आप जो भी डॉट या जो भी लगाते हैं इस तरह से ही लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे, एंटर एंटर करेंगे तो क्या होगा, दूसरी लाइन के लिए बोलेगा,
लेकिन हमें दूसरी लाइन नहीं चाहिए इसमें, हमें क्या चाहिए इसमें अंदर चूल्ता करेक्ट, यानी कि हमें इसमें ऑब्जेक्टिव लिखना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव समझते क्या होते हैं, इसमें चार ऑप्शन दिए जाते हैं। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 लिख लिया है। अब हमें इतना समझ में आ गया अभी बुलेट्स क्या होते हैं, समझ में आ गया। ठीक है, अब हमने जैसे ही एंटर किया यहाँ पर एक और बुलेट्स आ गया। मान लीजिए अगर ये बुलेट्स गलती से हट जाते हैं, जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया और एंटर किया, ये बुलेट कब आएगा, जब आप एंटर करोगे तभी आएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम हमने एक बुलेट्स यहाँ पर गए, हम कोई सा भी एक बुलेट सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब हम कुछ भी लिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, लिखते गए लेके लाइन खत्म हो जाती है, ऑटोमेटिक दूसरी लाइन आ जाती है। यहाँ पर कोई इफेक्ट हुआ, हम यहाँ पर लिखते जाएंगे लाइन दूसरी आती जाएगी, लेकिन कुछ हुआ जैसे ही हम एंटर दबाएंगे तो ये बुलेट हो जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप मतलब आप यहाँ पर कुछ लिखना स्टार्ट किया आपने, ये आप एक ही चीज के बारे में लिख रहे हो, ये पूरा उसी चीज के बारे में है। एंटर का मतलब है कि आपका वो जो एक चीज के बारे में लिख रहे थे वो चीज खत्म हो गई, मतलब उसके बारे में खत्म हो गया, अब आप दूसरी चीज स्टार्ट करने वाले हो। ठीक है, अब हम इसको सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देंगे, अपन बैक स्पेस दबाएंगे तो ये हट जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद अपन एंटर कर रहे हैं। एंटर करने के बाद हमें ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दूसरा होगा, हमें इसके अंदर कुछ लिखना है। तो हम क्या करेंगे, इसी ऑप्शन पर जाएंगे, बुलेट्स ऑप्शन के साइड में ड्रॉप डाउन एरो पर जाएंगे, इसके नीचे आता है चेंज लिस्ट लेवल। ठीक है, सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा चेंज लिस्ट लेवल। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे, ये वाला ही बुलेट सेलेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके अंदर कोई लिस्ट बनानी है जिसे बोलते हैं अपन सब लिस्ट। यहाँ पर जाकर हम ये सेकंड वाला जो ऑप्शन है क्यों कर रहे हैं सिलेक्ट, क्योंकि अगर हम यही सिलेक्ट करेंगे तो हमारे सामने यही वाला बुलेट आ जाएगा, जैसे अभी नहीं है, हम यहाँ पे जा रहे हैं चेंज लिस्ट लेवल ऑप्शन हाईलाइट ही नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिस्ट सिलेक्ट नहीं है। अब जैसे ये हट गया, बैक स्पेस दबाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे जाकर हम चेंज लिस्ट लेवल करेंगे, तो अभी फर्स्ट तो सिलेक्ट ही, एंटर करेंगे, यहाँ पे जाएंगे दूसरा वाला सिलेक्ट करेंगे, तो क्या देख रहे हैं आप कि इसके अंदर कोई कुछ आ गया। ठीक है, अंदर दूसरी चीज आई है, कैसे आई है, यहाँ पे जाएंगे, हमें लिस्ट के अंदर सेकेंड लिस्ट बनानी है, तो हम दूसरे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या लिखना चाहते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा कॉपी की शॉर्टकट, अब आप हिंदी में लिख लेना, हम आपको लिख कर बता रहे हैं। ठीक है, बस ठीक है, ये हो गया कॉपी की शॉर्टकट की क्या होती है। ठीक है, ये हमारा दूसरा जो हमारा पहला पॉइंट है वो हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंटर करेंगे, हम एंटर करेंगे तो क्या होगा, हम दूसरा क्वेश्चन लिख सकते हैं, लेकिन अब आपने आप दूसरा क्वेश्चन नहीं लिखना, यहाँ पर हमें चार ऑब्जेक्टिव देंगे, तो वो कैसे देंगे, अगर हम यहीं पर दे देंगे तो इसका क्या मतलब हुआ, ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है, यही माना जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से इसी ऑप्शन में जाएंगे चेंज लिस्ट लेवल में जाएंगे, और अब हम क्या सिलेक्ट करेंगे, थर्ड नंबर का, क्यों, क्योंकि फर्स्ट हमारा ये वाला है और सेकंड हमारा जो हमने क्वेश्चन लिखा है वो वाला है, और थर्ड पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हम इसके अंदर लिस्ट में पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं CTRL, यानी कंट्रोल प्लस एस, फिर हम एंटर करेंगे, हाँ इसी में बना लेते हैं। ठीक है, अब इसी के इसके बाद हम W, ठीक है कुछ भी ले लीजिए, एक आंसर इसमें से सही है, बाकी सब गलत है, तो ठीक है, तो इस तरह से दे दिए, तो अब आपको समझ में आ गया लिस्ट के अंदर लिस्ट और लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाना है, तो फिर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर बुलेट्स वाले ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ पर चेंज लिस्ट लेवल पर जाकर लेवल चेंज कर देंगे। अब जैसे कि हमें क्या करना है, ये हमारे चार ऑप्शन हो गए, अगर हम चाहें तो एक और लिस्ट में जा सकते हैं, जैसे हमने इस पर क्लिक कर लिया और अंदर पहुंच जाएंगे,
लेकिन हमें और अंदर नहीं जाना है, हम एंटर करेंगे। अब इसमें ही दूसरा लिख सकते हैं, लेकिन हमें अब क्या आना है, बाहर आना है, यानी इसका सेकंड क्वेश्चन लिखना है। तो हम क्या करेंगे, एंटर करने के बाद इस ऑप्शन पर जाएंगे, चेंज लिस्ट लेवल पर जाएंगे। अब ये वाला लेवल कौन सा हमारा, सेकंड है, तो हम सेकंड पर जाकर क्लिक कर देंगे। देखो बाहर आ रहा। अब आप अगला क्वेश्चन लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, जो भी हो, जैसे कि इस तरह से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एंटर, लेकिन अब हमें क्या करना है, इसके भी चार ऑप्शन देने हैं। तो अब हम क्या करेंगे बताइए, अब क्या करेंगे, अब हम बुलेट्स वाले ऑप्शन पर जाएंगे, चेंज लिस्ट लेवल पर जाएंगे। कौन सा वाला सिलेक्ट करेंगे, फोर वाला क्यों करेंगे, हमने अभी थर्ड वाला सिलेक्ट करेंगे। फोर्थ वाला तब करेंगे जब अपन को लिस्ट के अंदर, मतलब ये हमारी फर्स्ट लिस्ट है, इसके अंदर जो है वो सेकंड है, इसके अंदर जो है वो थर्ड है, हमें जाना है थर्ड के अंदर, इसलिए हम यहाँ पर जाकर थर्ड लिस्ट सेलेक्ट करें, ठीक है। अब यहाँ पर हम जो भी शॉर्टकट की होती है उसकी हम लिख देंगे, ठीक है। अब आप लिख लेना, एंटर करेंगे, ठीक है, एंटर एंटर, इस तरह से आया समझ में। अब हमें क्या करना है, एंटर कर कर इस वाले में आना है। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर से इसी ऑप्शन पर जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर जाकर ये देखिए हमारे यहाँ से हट चुका है। अगर हट जाता है गलती से, तो फिर आपको क्या करना है, इसकी सबसे लास्ट में जाकर क्लिक करना है और एंटर कर लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अगर आपको फर्स्ट लेवल में जाना है, चेंज लिस्ट लेवल पर जाकर माउस पॉइंटर लेकर जाइए और फर्स्ट पर क्लिक कर दीजिए, तो फर्स्ट सेकेंड, ठीक है, उस अंदर वाला हट जाएगा, ठीक है। अगर आपको सेकेंड में जाना था, गलती से आप चले गए हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जाकर चेंज लिस्ट लेवल पर सेकंड पर क्लिक करेंगे। अब आप अगला क्वेश्चन लिख सकते हैं। इतना आ गया समझ में। अब इसके बाद, ठीक है, इतना आ गया। अब इसके बाद हम क्या करना है, अगली चीज हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि इसको हम बैक स्पेस की से हटा रहे हैं, ये तो हो गया, यहाँ से जाकर कर सकते हो आप, ठीक है। अगर आपको कीबोर्ड की सहायता से करना है तो कैसे कर सकते हैं अनुज, आपको समझ में नहीं आ रहा हो सर, अब आपने बहुत दिन से नहीं पढ़ा तो थोड़ा सा देर में समझ में आएगा, लेकिन आप समझने की कोशिश करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। आप जितना आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है आप यहाँ पर समझो, फिर आपको नीचे मैडम बता देंगी, आप और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अब हम करना चाहते हैं कीबोर्ड की सहायता से, तो अगर हम एंटर की दबाते हैं तो नीचे आ जाते हैं, ठीक है, और एक बार और एंटर दबाएंगे तो फिर हम क्या पहुंच जाएंगे, इसके पहले वाली जो लिस्ट है उसमें, ठीक है। यदि हम एक बार और एंटर दबाएंगे तो इसके पहले वाली जो लिस्ट है, यानी कि ये वाली, इसमें आ जाएंगे हम, ठीक है, आया इतना समझ में। अगर हम एक बार और एंटर दबा देंगे तो ये हट जाएगा। अब अपन ये चीज एक बार और देखते हैं, यदि हम एंटर दबाएंगे तो कहां पर जाएंगे, उसी लिस्ट के सेकंड पॉइंट में। अगर एक बार और एंटर दबा देंगे तो उसके पहले वाले जो लिस्ट है उसमें पहुंच जाएंगे। अब हम मान लीजिए इसमें अगला क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने अगला क्वेश्चन लिख दिया, या फिर हमें अगला क्वेश्चन अब नहीं लिखना, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से एंटर करेंगे। एक सेकेंड, वो हट गया है बुलेट्स। अगर हट जाता है तो आप एंटर करिए, एंटर सेकेंड में आ गए, लेकिन अब हमें ये वाला जो चूज द करेक्ट है, इसके बाद हमें और कुछ लिखना है, तो हम फिर से एक बार और एंटर दबाएंगे, इसमें आ गए। अब अपन लिखना चाहते हैं मैच द कॉलम, जैसे कि ये वाला है, इसी के नीचे वाले में जाना है तो आप एंटर करो, लेकिन अगर आपको इसके जो पहले अपन ने लिस्ट लेवल लिया था, यानी सेकंड में जाना है, तो एक बार और एंटर करो। मतलब कि ये है, एक बार एंटर करोगे तो इसी के सेकंड पॉइंट में पहुंच जाओगे, एक बार और एंटर कर दोगे इसके पहले जो लिस्ट थी उसमें पहुंच जाओगे बिना कुछ लिखे। अगर कुछ लिख दिया तो एंटर नहीं, एंटर से नहीं आएगा, और एक बार और एंटर कर दोगे तो क्या होगा, और उसके पहले वाले जो लिस्ट है उसमें पहुंच जाओगे, ठीक है। इतना आया समझ में। इसके बाद ये फर्स्ट पॉइंट है, ये हमारा हो गया मैच द कॉलम लिखा हमने, ठीक है, तरह से रहता है।
हम ये टेक्स्ट की साइज थोड़ी सी बड़ी कर देते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एंटर करेंगे, लेकिन हमें एंटर करके सेकंड पॉइंट नहीं लिखना, अंदर जाना है, इस लिस्ट जो अंदर है उसमें जाना है। इतना तो समझ में आ गया, हम एंटर एंटर करते हैं तो बाहर आ जाते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, टैब की दबानी है। अगर आप टैब की दबाओगे या फिर आप यहाँ पर जाओ, यहाँ से जाकर चेंज लिस्ट लेबल को सिलेक्ट करो, ठीक है, या फिर आप अंदर से यहाँ से डायरेक्ट टैब की दबाओगे, अंदर पहुंच गए। अब हम यहाँ पर कुछ लिख देंगे, एंटर करेंगे तो अंदर वाले में, ठीक है। अगर एंटर एंटर करेंगे तो क्या होगा, पुरानी लिस्ट में पहुंच जाएंगे, और अगर टैब दबा देंगे तो क्या होगा, अंदर वाले में। एक बार और टैब दबा देंगे तो उसके भी अंदर पहुंच जाएंगे, एक बार और टैब दबा देंगे तो उसके अंदर लेवल चेंज होता रहेगा, ठीक है। एंटर एंटर करते रहेंगे तो बाहर आते रहेंगे, आ रहा है समझ में। अपन को सिर्फ एंटर और टैब को करना है, अगर लिस्ट से बाहर आना है तो एंटर दबाएंगे, अंदर जाना है तो टैब दबाएंगे, ठीक है, आ गया समझ में। शीतल आ गया समझ में, आपको नींद आ रही है क्या, नहीं मुझे हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। इसी तरह से इसमें अभी और ऑप्शन रह गए हैं, ये वाले ऑप्शन हम आपको कल बताएंगे, अभी हम आपको नंबर एक और बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम साइड में ये जो ड्रॉप डाउन एरो बना हुआ है, अभी अपन ने क्या करा, बुलेट्स वाले ऑप्शन लिए हैं, ठीक है, यहाँ से आप बुलेट्स ले सकते हो। जैसे कि मान लीजिए अभी ये वाला बुलेट चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, जो भी बुलेट आपको चेंज करना है वो चेंज हो सकता है। जैसे कि हमने ये वाला ले लिया, तो आप देखेंगे नीचे वाला भी चेंज हो गया, फर्स्ट फर्स्ट ब्लड चेंज हो जाएंगे, और ये हम आपको और अच्छे से कल बताएंगे। अब हम आपको नंबर एक वाला ऑप्शन बता देते हैं। अगर जैसे आपको यहाँ पर बुलेट्स नहीं चाहिए, नंबर चाहिए, तो फिर आप ये साइड में ये जो ऑप्शन है ये होता है नंबर, यहाँ पर आप जाएंगे ड्रॉप डाउन एरो पर और यहाँ से नंबर सेलेक्ट कर लेंगे, ए बी सी, रोमन चाहिए आपको, ए बी सी चाहिए, या फिर जो भी चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो अभी अपन ने क्या किया, फर्स्ट वाली लिस्ट में लिया है, इसलिए फर्स्ट फर्स्ट वाला चेंज हो गया, आ गया समझ में। इसी तरह से अगर इन ऑप्शन में चाहिए तो इनके स्टार्टिंग में क्लिक करो और यहाँ पे जाओ, और इसके बाद यहाँ से आपको जो भी चाहिए, ए बी सी चाहिए या फिर रोमन चाहिए या फिर जो भी चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते, ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। और ये वाला ऑप्शन हम आपको कल और भी डीपली बताएंगे, ठीक है। अब जैसे कि हमने इसमें ले लिया ए बी सी, तो ये देखिए इस तरह से इसमें ए आएगा, और इसके बाद इसमें बी आ गया, और बाकी अंदर वाले चेंज जैसे हैं वैसे ही हैं। अगर देखिए ये वाले ऐसे क्यों आ रहे हैं, देखिए ये सेकेंड लिस्ट है हमारी, और इसके अंदर वाली जो है वो पहले कौन सी है, थर्ड वाली है, आ गया समझ में। इतने में किसी को कोई डाउट है, नहीं है, अब आप करके देखना, डाउट आपको करके देखना, आप डाउट आपको तब पता चलेंगे जब आप यहाँ पर करके देखोगे, ठीक है।